आपको कब लगा कि आप बेरोजगार हैं? जिस दिन मेरा नेट पैक खत्म हो गया और मैं रिचार्ज नहीं करा सका। रिचार्ज क्यों नहीं करा सके? मेरे पास पैसे नहीं थे सर। ये आपकी गरीबी की निशानी है, बेरोजगारी इसमें कहां है? कहते हैं प्रकृति और समय के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति और समय आपके साथ खिलवाड़ करेगी तो आप ना ठीक से हंस पाएंगे और ना ही रो पाएंगे, जैसा कि आप अभी झेल रहे हैं। फिर अचानक एक दिन पुलिस आ गई और पकड़ के थाने ले गए। फिर उन्होंने पिटाई की होगी? नहीं, उन्होंने वहां ले जाके आरती उतारी। ये जो पड़ोसी होते हैं ना, लौंडों की आधी लाइफ एक खा जाते हैं। अपने लड़के को कोर्स करा देंगे प्रोफेशनल, फिर उसके बाद नौकरी पकड़ा देंगे, फिर बोलेंगे शर्मा जी आप भी अपने लौंडे को यही कराइए क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कार्य सरकार करे, हमसे कहिए, हमारे लोग जाकर पूरे देश के एयरपोर्ट को लीप देंगे गोबर से। नमस्कार, लोकडे तंत्र में आप सभी का स्वागत है, वेलकम। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन में सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करने का, नहीं सरकार तुम्हारे लॉकडाउन के बीच का डाउन हटा के अब लगा देगी। धरती लोग से एक प्राणी बोल रहा हूँ, भगवान जी से बात हो सकती है क्या? नहीं 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 नहीं, यमराज जी से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वेट कर लूंगा, यमराज जी से नहीं, सॉरी। मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। किस पे लिखते हैं सर? नफरत पे लिखता हूँ मैं, नफरत पे कविताएं लिखता हूँ। लेकिन बाकी सब तो प्रेम पे लिखते हैं। अल्ली मियां, हमने मुशायरों और महफिलों में बहुत सड़े टमाटर और अंडे खाए, जूते नहीं खाए, अब जूते मत खिलवाइए।